क्या? गौरी प्रेग्नेंट है? जो मैं चाहता था वही हुआ आज। तो तुम क्या चाहते थे? यही कि वो हमेशा खुश रहनी चाहिए, यही तो मैं चाहता था। चुप हो जाओ मंगा, चुप हो जाओ, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुखी मत हो। ऑनर सर। मंगा क्या हुआ? टाइम। टाइम अभी 5 बज रहे हैं। डिलीवरी टाइम। अरे रे रे। गाड़ी किधर है? 5-10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा सबर कर लो मंगा। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब मत कीजिए, मिलकर आ जाइए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से बहुत खून बह चुका है। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दो। ओके सर। दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द तो अब होने वाला है। क्या बोल रही हो तुम? 3-3 बेटों के साथ अब कितना परेशान होना पड़ेगा पता नहीं। तीसरा कहाँ है? एक, दो, तीन। ओ, मुझे भी जोड़ दिया साथ में, मैं बच्चा दिख रहा हूँ। ऑनर सर, मेरी एक इच्छा है। जो भी इच्छा है बता दो, कितनी बार पूछ चुका हूँ, लेकिन कोई इच्छा नहीं, तुम हमेशा यही कहती हो। अपने लिए एक भी इच्छा नहीं है, अपने बच्चों के लिए है। क्या है बताओ? हमें कब कैसे किससे प्रॉब्लम होगा पता नहीं है, इसलिए ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। हम कहीं दूर जाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिएंगे। प्लीज ऑनर सर, क्या सोच रहे हो? आपके मैकेनिक काम से हम कहीं भी जाकर आराम से जिंदगी बिता सकते हैं, क्या बोलते हो? मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? ठीक है मंगा, जाते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं। ओके? क्यों मंगा ऐसे क्यों देख रही? मैंने हाँ बोला ना। मंगा, 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 डॉक्टर। मंगा, पेट में मरे हुए बच्चों को 2 दिन हो चुके हैं, इन्फेक्शन की वजह से गर्भ थैली को निकालना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया डॉक्टर? मेरी बेटी बच्चों से बहुत प्यार करती है, अगर उसे पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती तो वो मर जाएगी डॉक्टर। अगर ऐसा नहीं करते तो वो मर जाती, इसलिए निकालनी पड़ी। आप प्लीज समझिए सर। डॉक्टर, हे भगवान, हे भगवान। पापा, मेरा बच्चा कहाँ है? पापा, नर्स,
मुझे लगता है कि आपका पोता लौट कर आया है। ये आप क्या बोल रही हैं? इसी हॉस्पिटल में किसी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी मर चुकी है। आपको उस इंसान ने बाहर रोते हुए देखा और कहा बच्चा आपको दे दूं। कौन है वो महान इंसान? उसने नाम तो नहीं बताया, सिर्फ देने के लिए कहा और कहा कि आपकी बेटी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी कहाँ मिलेगा वो? अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर अभी एम्बुलेंस के पास गया है सर। बच्चा मेरे पास ही है बेटी, डॉक्टर ने बाहर बुलाया था इसलिए चला गया था, ये लो। पापा। सीमा के पास जाना है। तू तो मेरा छोटी मैम सबका सूट कैसे कहाँ रखूँ? मेरे सिर पर रख दे। नालायक है क्या? हाथ तुरंत मारक से। आप चढ़ाइए। जॉब के लिए जा रही है, उन्हें कोई येलो या ग्रीन कार्ड मिलने वाला है। यहाँ पर अन्न धन ऐश आराम सब कुछ है, क्या कमी है जो वहाँ जाकर मेहनत करना चाहती है? नसीब है यार, नसीब है। जो यहाँ रहकर खुश रह सकते हैं वो विदेश जा रहे हैं, और बाहर के लोग यहाँ आकर खुशी से रह रहे हैं। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उनके पास पर्सनालिटी है चीफ, आपके पास तो म्युनिसिपैलिटी भी नहीं है। इधर आ, तो फोन करती रहना बेटी, व्हाट्सएप पर मैसेज भी करना। ओके, रैश ड्राइविंग तो बिल्कुल मत करना। यस, बाय एवरीबॉडी, बाय टू बाय। छोटी मालकिन शांति, बिटिया को खुशी खुशी भेजने के बजाय आंसू क्यों बहा रही हो? मैंने सोचा इस बार आप बिटिया की शादी करके ही उसे भेजेंगे। डोंट वरी मम्मी, मैं सच कह रही हूँ कि अब कोई गलती नहीं करूँगी। मेरी हर मुसीबत में साथ देने वाले और आपकी पसंद से ही शादी करूँगी, आपकी कसम। ओके छोटी मैम, सब किसके बारे में बोल रही है जानते हो? किसके बारे में? भैया के बारे में। भैया के बारे में? भाई जी, नरसिम्हा भैया के बारे में। वो इनडायरेक्टली उन्हीं की बात कर रही है। सर मैं भी आपके साथ एयरपोर्ट चलता हूँ ना। नहीं नरसिम्हा, वहाँ से लौटते लौटते देर हो जाएगी, और बाबू को भी देखना है ना। वो अपनी बुआ के साथ बिल्कुल नहीं रोता। बुआ कौन है? देवी, वो संभाल लेगी। नहीं नरसिम्हा। बाय नरसिम्हा, मुझे एक चाटा लगाओ। अरे चीफ, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? अरे चाटा लगाओ ना भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ तुम्हारा। दोनों कान में सीटी बज रही है। मुझ जैसे नालायक के लिए यही पनिशमेंट होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये क्या है यार? सेंट्रल मिनिस्टर के घर पर एक भी पुलिस की सिक्योरिटी नहीं। मिनिस्टर सर, मिनिस्टर सर, मैं यहाँ ऊपर हूँ। क्या हुआ सर? आप अकेले वहाँ क्या कर रहे हैं? कोई बहुत खास बात है क्या जो मुझे यहाँ बुलाया? तुमको मेरा एक काम करना होगा। अरे कहिए ना सर, आपका काम क्यों नहीं होगा? मेरे लिए नहीं तो फिर उसका? ये इस शहर में जहाँ कहीं भी हो, ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। पर क्यों? मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए दो लोगों का मरना जरूरी है। एक तो ये है, दूसरा वो है। ये सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है, बल्कि मेरा भी है। मेरे सारे करोड़ों रुपए
तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। उसे बस मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। ये शेर है, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। सामने गए तो सब मारे जाएंगे। इसके लिए जाल बिछाना होगा, फिर ये खुद ही उस जाल में फंस जाएगा। हेड कांस्टेबल जी, क्या हाल चाल है? गणपत भाई के आदमियों ने मुझ पर हमला करके एससीपी साहब को और मैडम को और उनके बच्चे को उठा कर ले गए। जाते जाते वो गणपत, तू नरसिम्हा का आदमी है ना, उसे फोन करके कह दे अगर वो आधे घंटे के अंदर डॉग्स पर नहीं आया तो उस एएसपी की फैमिली को वो मरते हुए देखेगा। देख, पहले तेरी बीवी, उसके बाद तेरे बेटे को, सबको खत्म करके यही समाधि बनाऊंगा, सबको चीर के रख दूंगा। तुझे एक बात पता है क्या? तेरी बीवी को मैं नहीं मारने वाला, तेरी फैमिली को टच किया तो चीर दूंगा, कहा था ना नरसिम्हा ने, अब वही नरसिम्हा इसे मारेगा। बच गई सोचकर खुश हो रही है? खुशी नहीं, दुख हो रहा है, क्योंकि मैं एक नामर्द के हाथों मरने वाली हूँ, समझे? तो तेरे पति के सामने तुझे मारने वाला था, अब प्लान चेंज, अब तेरे ही सामने तेरे पति और बच्चे को मारूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं मर्द हूँ या नामर्द। ले जाओ बांधो। दूसरी बार मेरी जान बचाई है। We'll be right back.
मैं मरूंगा। शेर को मारने के लिए शेर का कलेजा चाहिए और नरसिम्हा को मारने के लिए 100 शेर का जिगरा। मेरा टाइम अच्छा है रे, तेरी मौत कंफर्म है। इधरों के भौंकने से शेर नहीं मरते, समझा? जिन्हें लगी है उन्हें तो हमने बचा लिया है, लेकिन हेड इंजरी की वजह से बच्चे को बचा नहीं पाए, सॉरी। मेरे बच्चे, मुझे अकेला छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर क्यों चला गया बेटा? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा बेटा? सॉरी सर, आपकी बेटी का काफी खून बह चुका है, सो 2-3 दिनों तक उन्हें ये बात मत बताइएगा, प्लीज सर। डॉक्टर, नर्स, बेटी, मैं यही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा है वो? बताइए ना पापा। उसे कुछ नहीं हुआ है बेटी, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। पापा, मुझे मेरे बच्चे को। तुम आराम करो बेटी, मेरी बात मानो बेटी, डॉक्टर है ना, वो देख लेंगे, उसे कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम्हारा काफी ब्लड निकला है, रेस्ट करना जरूरी है। मुझे अपनी परवाह नहीं है पापा, बस अपने बच्चे को देखना है। I'm
नरसिम्हा, मैंने गांव में बहुत से लोगों को पाठ पढ़ाया है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को ही पाठ पढ़ा दिया। ये क्या कर रहे हैं, मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? नरसिम्हा, कोई आदमी अगर किसी के सामने हाथ जोड़े तो वो आदमी भगवान जैसा होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोला था। इतना त्याग करने वाले तुम, अब मेरे लिए तुम ही भगवान हो। धर्म किताबों में नहीं, तुम्हारे जैसे त्यागियों में दिखता है। हाथ जोड़ता हूं मैं। मास्टर जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं गुनाहगार बन जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कर भी कह सकता हूँ बेटा। एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। बोलो बेटा। बच्चे की सच्चाई गौरी को कभी पता ना चले, वो उसके असली बेटे की तरह ही रहेगा। इस सच को भी छिपाने को कह रहे हो? नरसिम्हा, त्याग की भी एक हद होती है। मेरी बेटी के लिए और कितना कुछ करोगे तुम? सर, बचपन में गौरी ने मुझे एक माँ की तरह संभाला है, टीनेजर में एक फ्रेंड की तरह, और फिर वो मुझे अपना दिल दे बैठी। उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अभी भी तुमने वही तो दिया। वो हमेशा मुस्कुराती रहे, मैं यही तो चाहता हूँ। चलता हूँ सर।